करूंगा, लेकिन बस फिलहाल दोस्तों अभी की ये भर्ती नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग की ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी तरफ से की ये भर्ती की तैयारी कर सकते हो दोस्तों, बट उसके साथ साथ में आप अगर दूसरी फोर्सेस को देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो CRPF के अंदर जो है 1,30,000 वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली दोस्तों, मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया है उसके ऊपर, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मुझे लोगों के कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं यहाँ पर जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ दोस्तों। कुछ लोगों का कमेंट्स था कि आपने कि 2013 का जो है आपने उसमें जो है आपका वीडियो आपने डाला 2013 का डाल दिया, वो मिस्टेकली मेरे से क्या है 2023 की जगह 2013 शायद हो गया, मेरा भी ध्यान उस पर नहीं गया होगा अपलोड करते टाइम वीडियो को दोस्तों। लेकिन बट ऐसी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हो नहीं कि जो मेरे से गलती ना हो दोस्तों, मैं भी कि आपकी तरह इंसान ही हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जितना अपनी 17 ईयर्स की सर्विस में जो एक्सपीरियंस लिया है दोस्तों वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर आपको दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है दोस्तों जो आपको भर्ती करवा सके। अगर आप चाहेंगे खुद ना तभी आप भर्ती हो पाओगे, लेकिन उसके अलावा दुनिया कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको भर्ती करा सकते। अगर आप खुद सुबह उठ के रनिंग करते हो, मेहनत करते हो दोस्तों, सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाते हो टाइमली दोस्तों, अपना रूटीन वर्क को कंसिस्टेंसी आप करते हो दोस्तों, तो आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोकता। आपके अंदर वो जज्बा है, अगर वो आपके अंदर पावर है, वो आपके अंदर अगर पैशनेट जो है पैशनेबल हो अगर आप अपने जॉब के लिए दोस्तों, तो आप जरूर वहाँ पर क्या सक्सेसफुल हो पाओगे। तो जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे दोस्तों अपने लक्ष्य के लिए, अपने एम के लिए, एम सबसे बहुत जरूरी है। एक जो पॉइंट होता है ना एम, एम जिंदगी का वो चीज़ है जो आपको उस जगह तक पहुंचाती है दोस्तों। जब मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो मैं शायद उस चीज़ को क्या है हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मुझे भर्ती होना है तो मुझे खुद के लिए उसे क्या है मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सुबह टाइमली उठना पड़ेगा, टाइमली दौड़ना पड़ेगा। अगर मैं मान के चलूँ कि मुझे 1600 मीटर रनिंग करनी है दोस्तों, तो उसके लिए मुझे कम से कम डेली हर दिन अपना रूटीन बनाना पड़ेगा 5.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रनिंग का दोस्तों। जब मैं 5 साढ़े 5 किलोमीटर रनिंग डेली करूंगा तब जाके मैं 1600 मीटर रनिंग वहां पर क्लियर कर पाऊंगा दोस्तों, वो भी उस कम टाइम के अंदर। अगर आपको 4.5 मिनट के अंदर अगर 1600 मीटर रनिंग क्लियर करनी है तो आपको डेली 5.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही आपको दौड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर क्या मैटर करती हैं दोस्तों। तो काफ़ी सारे एक्चुअली मुझे ये चीज़ें जो कमेंट्स करते हैं लोग, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि यार मैं खुद ये सोचता हूँ कि अगर कोई मेरे लिए मेरे इस वीडियो के ऊपर अगर कमेंट कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है, और तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो पर्सन अगर फौज में जा रहा है और वो आर्मी पर्सन को ही वहाँ पर क्या गलत कमेंट कर रहा है, तो वो क्या रिस्पेक्ट करेगा आर्मी में उसके मतलब जाने के, उसका मतलब कि उसका मोटिव क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप किसी को अगर रिस्पेक्ट किसी की नहीं कर सकते ना, किसी को बोलते हैं ना अगर आप रिस्पेक्ट ले नहीं सकते हो तो रिस्पेक्ट दे भी नहीं सकते हो, राइट है ना दोस्तों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर के संस्कार ही कुछ ऐसे होते हैं किसी ना किसी, मैं किसी की इंडिविजुअल इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर दुनिया ही एक दुनिया है ना, ये पूरा वर्ल्ड भारत है ना, ये अभी पूरी दुनिया है, इसमें अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं दोस्तों, कोई भी एक जैसी थिंकिंग नहीं होती है किसी की, कोई पॉजिटिव होता है कोई निगेटिव होता है। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा पॉजिटिव हैं तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मतलब कि एकदम गांठ बांध के रख लो दोस्तों कि आपका लक्ष्य अगर आपके ऊपर आता तो आप ज़िंदगी में जरूर सफल हो गया। और कमेंट्स करने वाले कमेंट्स करते रहेंगे दोस्तों, कमेंट्स से कोई फर्क नहीं। और ये है कि मैं आपको यहाँ पर जानकारियाँ दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए चैनल पर मैं यहाँ पर जो है मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ किस लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्यों मेरे अगर मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पर, है ना? या मुझे मैं अगर आर्मी में हूँ तो मैं आर्मी में था, मैं 17 साल जॉब करके आया वहाँ से, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो आप लोगों को वहाँ पर सीखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें सेना के अंदर होती हैं। जब आपका यहाँ पर फर्स्ट ही आर्मी का एक आर्मी का ही ले लेते हैं, आर्मी के अंदर आपका रिटन एग्जाम होता है स्टार्टिंग में, उस पर मेरिट बनती है, मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद आपका उसका मेडिकल होता है, मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आर्मी छट जाता है, उसके बाद
आपका जो मेडिकल से पहले, सॉरी, आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, और उसके बाद क्या है आपको लास्ट में क्या है आपका मेरिट लिस्ट आता है और आपको क्या है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस दौरान, क्योंकि पहले क्या है प्रोसेस थोड़ा अलग था, अब आर्मी का प्रोसेस थोड़ा अलग हो गया। पहले सबसे पहले रिटन टेस्ट लास्ट में होता था, लेकिन अब पहले क्या होता है रिटन टेस्ट हो जाता है, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग छट जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो गया, पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया, काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर फ़र्क आ गया दोस्तों। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है दोस्तों, कि आर्मी जितने फोर्सेज है ना दोस्तों, सबका टेस्ट जो रूटीन है एक ही होता है, टेस्ट शेड्यूल एक ही होता है दोस्तों। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कोई भी अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में हरा नहीं सकता है, लेकिन आपको कभी भी खुद से हार नहीं माननी है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग होते हैं जिनकी एज 20 साल, 2 महीना हो गई होगी अभी, वो फौज के लिए ट्राई करते करते, आर्मी के लिए ट्राई करते करते अभी ओवर एज हो गया, अब वो क्या करें, तो वो उनको क्या करना है अभी नेक्स्ट चीज़ के लिए देखना है, यानी कि अभी PF वगैरह अगर उसकी भर्ती आती है तो उसमें भी देख सकते हैं वो लोग। अभी लेटेस्ट ही वैकेंसीज निकली हुई है अभी जो जो है आर्मी पोर्टल की, तो वो भी आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी पोर्टल की, जो वहाँ पर अच्छी खासी वहाँ भी सैलरी मिल रही है, वहाँ पर भी आपको 30,600 के अराउंड शायद वहाँ पर क्या है सैलरी मिल रही है। तो उसका वीडियो भी मैं एक और बनाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के बाद, और तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो उसी के ऊपर होगा, जो काफ़ी है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जो हिमाचल हिल पोर्टल कंपनी है, उसके उसके थ्रू क्या है वो जो वैकेंसी है निकली हुई है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आर्मी पोर्टल की जो की है उसमें भी काफ़ी सारी आर्मी की तरह ही फैसिलिटी मिलती है उन पोर्टल पर, पोर्टल्स को जो है वो मैं अपनी उस वीडियो में कवर करूँगा दोस्तों। दोस्तों वहाँ भी आप अप्लाई अभी कर सकते हैं, उसकी वैकेंसी अभी निकली हुई है, और शायद मेरे ख्याल से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है, वो जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पक्का दूंगा। तो दोस्तों आप लोग कुछ समझिए कि आप लोगों का जो पैसा है ना दोस्तों, वो बहुत ही मेहनत की कमाई होती है, आपके माँ बाप ने जो पैसा कमाया ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं इसकी अहमियत समझता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ, कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसी कैसी जगहों पर जाके कमाया जाता है वो मुझे पता है, इसलिए उसकी वैल्यू मुझे पता है, ताकि यही सोचता हूँ कि आप लोगों का पैसा बर्बाद ना हो। आजकल जो कुछ फेक वेबसाइट्स भी चल रही हैं, तो आप उन वेबसाइट के बहकावे में ना आ जाएं और ना अपना पैसा उसमें जाके बर्बाद कर लेना दोस्तों, कहीं आप गलती से भी उस फेक वेबसाइट पे जाके अप्लाई नहीं कर देना, नहीं तो आपका पैसा भी डूब जाएगा दोस्तों और आपका टेस्ट भी नहीं। दोस्तों वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है हमेशा, मैंने पिछले भी किसी कई वीडियोज़ में ऐसा बताया आप लोगों को कि आप हमेशा अवेयर रहें हर चीज़ के लिए दोस्तों, क्योंकि हर किसी का पैसा उसके लिए बहुत सारे बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। इसमें बहुत सारे गरीब परिवार के घर के लड़के होते हैं जो अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो बड़ी मुश्किल से उनके माँ बाप क्या दिन भर मजदूरी दिहाड़ी करके क्या पैसा कमाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें एक सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन जो आजकल के दलाल है ना वो इन चीज़ों को नहीं सोचते दोस्तों, वो गरीब आदमी को लूटने के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग एकेडमी ज्वाइन मत करो या फिर बट मैं ये बोलता हूँ कि आप घर पे जितना ज़्यादा तैयारी करोगे ना उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि क्योंकि एक गरीब आदमी होता है उसके पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो अपना एकेडमी में जाए, अपने बेटे को एकेडमी में वहाँ पर जाके वो ट्रेनिंग्स वगैरह दिखाए। आजकल तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कि गरीब परिवार से भी लोग क्या उस इन चीज़ों के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन हम उनके झांसे में नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेली लाइफ के अंदर अपना रूटीन अगर तय कर लिया ना कि मुझे सुबह इतना भी उठना है, मुझे अब ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये करना है और शाम तक मुझे ये काम करना है, तो आप कभी ज़िंदगी में मार नहीं पाएंगे। फर्स्टली दोस्तों अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप और भी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो दोस्तों, और अगर आपका सपना ही अगर इंडियन आर्मी में जाने का है तो बहुत सारी फोर्सेज हैं, CRPF है, BSF है, ITBP है, उसके बाद और भी काफ़ी सारी फोर्सेज है, आप इंडियन आर्मी में आ सकते हो, उसके बाद क्या नाम है आप अपना नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो दोस्तों, आप नेवी एयरफोर्स की भी ट्राई कीजिए, क्यों ना करें, अगर हमारे परसेंटेज अच्छे हैं तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमने अप्लाई करना है और हमने सही ढंग से वो करना है। और दोस्तों मैं TA के बारे में आप ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि TA की जब वैकेंसी आएगी तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, TA के ऊपर अगर वैकेंसी आएगी तब मैं आप लोगों को जरूर उसमें इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप TA की वैकेंसी आएगी तो आप लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन बट इस टाइम क्या है TA की वैकेंसी अभी नहीं है दोस्तों, और ना कोई नोटिफिकेशन है उसका, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि TA की वैकेंसी जो है
आने वाली है, टीए की जो भर्ती आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से है ना कोई टीए की ऑफिशियल साइट के ऊपर है कि वैकेंसी कब आनी है। दोस्तों चाहे आप जाके चेक भी कर सकते हैं, तो उस पे ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं जो यहाँ पर न्यूज़ दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो रियलिटी है। और तो दोस्तों आप अवेयर हो जाएं। और दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल के ऊपर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।